नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के कर्मचारियों के लिए सृजनी मेला एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। आरएसपी के अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित। और राउरकेला के भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा 59वें वार्षिक दिवस का पालन। अब समाचार विस्तार से। इंस्ट्रूमेंटेशन विभाग के कर्मचारियों के लिए 19 मार्च को एक सृजनी मेला एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल एवं पावर श्री के वी रमन ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यान्वित सुझावों के लिए विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक प्रभारी इंस्ट्रूमेंटेशन श्री एम के महंती, आईईडी के वरिष्ठ प्रबंधक श्री बी के बेहरा तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री के वी रमण ने अपने वक्तव्य में नए उपकरणों एवं ऑटोमेशन से संबंधित संशोधन की आवश्यकताओं पर बल दिया। श्री एम के महांती ने विभाग के कर्मचारियों के बीच नवीनीकरण और सृजनशीलता से संबंधित उपलब्ध ज्ञान के संबंध में कहा और सभी से इसे जारी रखने का आग्रह किया। श्री बी के बेहरा ने विभाग के साथ साथ आरएसपी में सृजनी सृजनशील योजना की स्थिति पर सविस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर कुल 123 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 2 सुझावों को जोनल कमेटी को भेजा गया। इस अवसर पर कुल 32,700 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे विभाग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों लाभ हुआ है। मेले में 200 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। प्रत्येक सुझावकर्ता को सुझाव हेतु प्रतीक उपहार प्रदान किया गया। सहायक महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री जी गंगोपाध्याय ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्लांट के बेहतर उत्पादन, निष्पादन, प्रगति और विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए आरएसपी अपने कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाने और व्यक्तियों एवं उत्पादन प्रबंधन में अपने कौशल को सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता रहा है। इसके साथ तालमेल रखते हुए आरएसपी ने हाल ही में एचआरडीसी में एक 3 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 14 अधिकारियों ने भाग लिया। सत्र में सरल कौशल विकास जैसे संचार, समय प्रबंधन, योजना, आयोजन, नवाचार, सृजनशीलता, टीमवर्क, टीम प्रेरणा और सकारात्मक अनुशासन पर जोर दिया गया। इसके अलावा व्यापार परिदृश्य, सामान्य रूप से इस्पात क्षेत्र एवं विशेष रूप से आरएसपी में सामना की जा रही चुनौतियां एवं फ्रंटलाइन अधिकारियों की भूमिका पर भी जानकारी दी गई। उप महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री एस पंडा, वरिष्ठ प्रबंधक सीएसआर श्रीमती अनिंदिता महापात्र, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री आर के लंका, सहायक प्रबंधक कार्मिक सुश्री एल एम मिश्र, प्रबंधक SP3 श्री एम मुरारी एवं सहायक प्रबंधक HRD श्री आर ए खान जैसे आंतरिक फैकल्टी द्वारा सत्रों का संचालन किया गया। HRD के श्री आर ए खान एवं SSW श्री DC गौड़ ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि 2017-18 वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार के 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 45 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस्पात जनरल अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में 17 मार्च को आयोजित समारोह में भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा 59वें वार्षिक दिवस का पालन किया गया। राउरकेला जनरल अस्पताल के निदेशक प्रभारी डॉक्टर RC बेहरा इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, जबकि निदेशक M&HS डॉक्टर SS पति सम्मानित अतिथि थे। अतिथियों ने औपचारिक दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। भुवनेश्वर एवं कोलकाता के प्रसिद्ध डॉक्टरों ने तकनीकी सत्रों को लिया, जिसमें उन्होंने सभी उत्कृष्ट विशेषताओं के पहलुओं की जानकारी दी और हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। IGH के मनोचिकित्सा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंकज कुमार नंद ने डॉक्टर और मरीजों के संबंधों में सुधार हेतु पारस्परिक संबंध पर एक व्यावसायिक भाषण दिया।
प्रारंभ में डॉक्टर एन पी साहू ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया और कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। आईएमए के महासचिव डॉक्टर आर एल पंडा ने आईएमए की गतिविधियों एवं भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऑप्शनल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर वाद विवाद एवं स्थल पर क्विज इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था। समारोह का समापन म्यूजिकल नाइट के साथ हुआ, जिसमें डॉक्टरों ने अपनी सृजनशील प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। आईएमए राउरकेला के अध्यक्ष डॉक्टर एन पी साहू ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।